आजमगढ़ में कबड्डी का ट्रायल करके दर्जन भर चैंपियन खिलाड़ियों का चयन किया गया। 47वीं उत्तर प्रदेश जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप जोन सी में खेलने के लिए मंगलवार को एमपी इंटर कॉलेज मुबारकपुर के परिसर में कबड्डी का ट्रायल करके एक दर्जन खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयन किए गए कबड्डी खिलाड़ी आगामी 20 अक्टूबर को आयोजित कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप जोन सी प्रतियोगिता में 20 वर्ष से कम और 70 किलोग्राम भार में खिलाड़ियों का चयन होगा, जो इसी खिलाड़ियों में से प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होगा। कबड्डी ट्रायल करके दर्जन भर खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनमें अबू तलहा, अर्जुन यादव, फैजुर रहमान, अनुराग पांडे, विवेक यादव, प्रिंस यादव, अभय सिंह, अमरपाल, विकास यादव, आकाश सहित दर्जन भर खिलाड़ियों का नाम शामिल है। अपना पर्चे बताएं सर। मैं माया प्रसाद राय, जिला कबड्डी संघ के सचिव के रूप में कार्य करता हूँ। वैसे मैं NIS कोच भी हूँ, स्टेडियम में मैं प्रशिक्षक भी हूँ। ये आज मुबारकपुर MP इंटर कॉलेज में आए हैं, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम? हमारे यहाँ 20 वर्ष से कम और 70 किलो से कम जूनियर बॉयज का चयन ट्रायल है। आज 12 लड़कों का चुनाव होगा और यह टीम 20 तारीख को यहीं पर इसी ग्राउंड में उत्तर प्रदेश कबड्डी चैंपियनशिप की जोन सी की प्रतियोगिता है। इसमें बेस्ट 4 टीमें जो होंगी वो जाएंगी मेरठ सुपर लीग में। 4 जोन में हमारा प्रदेश बटा हुआ है, तो प्रत्येक जोन से 4-4 टीमें जाएंगी मेरठ, वहाँ चैंपियनशिप को फाइनल टच दिया जाएगा, उसको हम सुपर लीग बोलते हैं। जो 20 अक्टूबर को होगा वो कहाँ कहाँ की टीमें भाग लेंगी? इसमें लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, अमेठी हॉस्टल, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर, मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ऐसे 12 टीमें भाग लेंगी। ये भाग लेंगी, कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा? ये कार्यक्रम वैसे होता है 2 दिनों का, लेकिन ये अलाट किसी और को हुआ था, वो लोग नहीं करा पाए, तो हम लोगों के सर दे दिया गया कि नहीं आप कराइए। अभी हम पिछले साल जोन सीनियर करा के हटे हैं मैना देवी इंटर कॉलेज पर, तो हमने यहाँ रख दिया। और हमारे अध्यक्ष जी ये श्री एहसान अहमद जी ने कहा कि नहीं MP इंटर कॉलेज में हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक हो जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।